राजस्थान सरकार भी पंजाब की राह पर लाएगी कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत ने कैबिनेट के साथ केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 नए कानूनों से राज्य के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की और कृषि कानून के खिलाफ विधेयक लाने की बात कही। बैठक के बाद जारी सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसानों के हित में यह निर्णय किया कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए कहा, आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध विधेयक पारित किए हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा। बयान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये तीनों कानून किसान विरोधी थे। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में 3 विधेयक भी पेश किए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है कि यदि कोई किसानों को MSP से कम कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर करेगा तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। वे इसे पूरी तरह से नकार रही, जिस कारण से पहले पंजाब सरकार के द्वारा विधानसभा में 3 विधेयक पेश किए, अब राजस्थान सरकार ने बैठक कर कृषि कानून के खिलाफ विधेयक लाने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC स्टार न्यूज़।